व्हाट इज अप माई लवली फैमिली, वेलकम बैक। सो आज का प्लान एकदम अटेंडम सा बना हुआ है एंड अभी हम लोग जस्ट लखनऊ निकलने के लिए हैं एंड सोचा कि व्लॉग भी शूट कर लिया जाए। तो आई होप व्लॉग अच्छा बने एंड कंटेंट अच्छा मिले। सो थोड़ा सा उस पर भी प्लानिंग चल रही है एंड डेली व्लॉग पे भी प्लानिंग चल रही है एंड अभी रिसेंटली एक ट्रिप प्लान हो रही है, तो वो प्लान के बाद चलते चलते बताते हैं विस्तार से। ऑल राइट, तो अभी अपने ट्रिप पे निकल चुके हैं, ऑन द वे हैं और कुछ प्लान ऐसा बना हुआ है कि वहाँ चलना है एंड कुछ थोड़ा सा वर्क है तो वो वर्क को निपटाना है एंड अगर कहीं नियर बाई विजिट करेंगे, घूमेंगे तो वो आपको विजिट करवाएंगे वहाँ पे। और आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे और डेली ब्लॉग पे भी प्लानिंग चल रही है फ़िलहाल अभी, और अच्छा लगेगा तो मैं उस पर भी वर्क करूँगा। थोड़ा सा इसी दिमाग कर देते हैं ताकि वॉइस वगैरह आपको प्रॉपर आए। और बस एक छोटा सा अपडेट था एक अपनी ट्रिप के लिए। सो बहुत जल्दी आई होप वो ट्रिप कंप्लीट हो जाए एंड जितना भी है वो सब आपको देखने को मिले। और अभी फ़िलहाल लखनऊ चल रहे हैं एंड एक जो फ़ोन है अपना ये वाला नोट 9, जिसमें मैं ज़्यादातर जो है वीडियोस एडिट वगैरह भी करता हूँ। ये देखिए ये साइड में यहाँ पे ब्रोकन हो चुका है, टूट चुका है पूरे तरीके से ये। सो अगर लगेगा कहीं फ़ोन वगैरह कुछ पसंद आ जाता तो ले लेंगे, वरना कोई नहीं, चलते हैं देखते हैं क्या व्लॉग में होने वाला है आज या क्या नहीं। तो डेली व्लॉग कंटेंट के हिसाब से मैंने और अपनी ब्लैक पैंथर इज हेयर, तो अभी अपने स्कॉर्पियो ड्राइव कर रहे हैं एंड आई होप आपको सारे जो लद्दाख सीरीज़ के व्लॉग थे वो आपको काफ़ी अच्छे लगे हुए अच्छे लगे हों। और ऐसे ही अच्छा सा ट्रैफिक दिखाते रहिए चैनल पर एंड बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हैं आप सभी का, सारी ऑडियंस का। सो दिल से बहुत बहुत थैंक्स। तो थोड़ा सा वर्क यहाँ पे निपटाते हैं एंड चलते सीधे यानो एक्सप्रेस पे, तो थोड़ी सी गुफ्तगू कर देंगे वहाँ पे एंड चलेंगे सीधा लखनऊ, फिर वहाँ के आपके नज़ारे आपको मिलेंगे ब्यूटीफुल से। हाँ तो बच्चों हम जा रहे हैं लखनऊ। ऑल राइट, तो अभी फ़ोन का नाम लेते ही सबसे पहले फ़ोन का शोरूम ही पहुंच चुके हैं, तो चलते हैं एंड दिखाते हैं कि कौन सा अगर फ़ोन अगर कोई समझ में आता है तो लिया जाता है एंड उसके बाद यहां का बारे में मतलब जहां चलेंगे वो दिखाएंगे वो सब डिटेलें। तो चलते हैं एंड शोरूम में एंड हम लोग आ गए हैं। कोई टावर करके जगह है, आई डोंट नो, अभी बताता हूँ मैं, सीरम टावर। तो सीरम टावर आ चुके हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पसंद आता है कौन सा नहीं। जी फीलिंग आ रही तुमको? बहुत प्राउड फील हो रहा है, पहली बार आईफोन लेने आए हैं। मज़ा आ जाएगी भैया जी। 9 आर ये आएगा, 9 प्रो आ जाएगा, ये आएगा वीवो का। इसके सेम ये क्या रेट है अल्ट्रा? 1,06,000। अभी कुछ नहीं बोलिए, हां कर रहे हैं, रफ्ट देखो बाकी बहुत छोटा है। सी कौन सा कलर चाहिए आपको? वाइट ही लेंगे जहाँ तक, वाइट या पर्पल। वाइट या पर्पल? वाइट तो है अवेलेबल, अभी बात हुई थी, ब्लैक भी है यहाँ पे, वाइट ब्लैक दो हैं। पर्पल हटा के भाई साहब बोल रहे हैं वाइट, क्या कहते हैं वाइट के ऊपर? क्योंकि हम काला, हमारा फोन गोरा। पर्पल वाइट दोनों लेते हैं तो भाई कोई भी यूज़ कर सकता है, कभी ये चला ले कभी वो। तो अभी वाइट लिया लेना, अगली बार देखते हैं पर्पल ले लेना। अरे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना, पर्पल हमको दे देना। नहीं रहा तो वैसे ठीक है, समानता का अधिकार लगेगा इसमें, साला कलर का फर्क नहीं आएगा, अमेरिका तक लड़ाई नहीं लड़ना पड़ेगा हम लोगों को, साला काले गोरे का भेद करना पड़ेगा यहाँ पे। बढ़िया फील हो रहा है। हाँ यूँ नहीं करो, देखो शाम को बच्चा इसका एक केटर डालेंगे। ठीक है कलर। सो अभी फाइनली अपने पास नया आईफोन 11 आ चुका है, जो कि मुझे पसंद आया, मैंने ले लिया है और अभी फिलहाल कंटिन्यू करते हैं इसको और फ़ोन को रखते हैं साइड में। अभी इस टाइम पे हम लोहिया पथ पे चल रहे हैं, चाचे लेंगे हमारे छोटे प्रधान चलाते हुए हमारे मुन्ना भैया पीछे कंपनी देते हुए। तो फ़ोन की बात कर लेते हैं। बेसिकली मैंने कल जो फ़ोन देखे थे वो आईफोन देखा था, आईफोन 12 मिनी देखा था, आईफोन 11 मैंने देखा था और वन प्लस का 9R एक फ़ोन आता है वो मैंने देखा था और वन प्लस का नॉट 2 जो आता है वो मैंने देखा था। तो वीवो का कोई X60 करके फ़ोन था वो मैंने देखा था, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था एंड वीडियो क्वालिटी की वजह से एंड ब्लॉग के लिए हमने सोचा कि मोबाइल को अगर अपग्रेड कर ही रहे हैं तो क्यों ना वीडियोग्राफी की तरफ जाएं। तो आई होप
आप लोगों को सबको पता ही होगा कि आईफोन की वीडियो क्वालिटी कैसी है एंड स्टेबलाइज कितना ही बेहतरीन है। तो मैंने सोचा था सैमसंग की तरफ भी, सैमसंग का जो S21 के भी बारे में मैंने देखा था, उसको भी समझा था, लेकिन इस बजट में आई थिंक इस बजट में सबसे बेस्ट डील मुझे आईफोन ही लगी, आईफोन 11 128 GB, तो मैंने वही परचेज़ कर लिया। तो अभी हो गई है काफ़ी शाम और टाइम हो गया है 6 o'clock और अपना आईफोन जो है उसका सेटअप हो चुका है पूरा तरीके से एंड फ़ोन जो है वो मिल गया था। और जो भी पड़ा है इसके बारे में पूरी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एंड इसके बारे में फ़ोन के बॉक्स, बिल, चार्जर, जो भी है ट्विजर, सारी जानकारी आपको उस वाले में मिलेगी ब्लॉग में। सो एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर एंड आज का वीडियो एक छोटा सा वीडियो ही था बिकॉज़ हम लोग कहीं घूमे नहीं और कुछ किया भी नहीं। सो केवल गए, मोबाइल लिया एंड जो है सो सामने है, तो अपना ब्रैंड न्यू आईफोन आ चुका है, आईफोन 11 128 GB जो कि हमने बेसिकली लिया हुआ है और काफ़ी ब्यूटीफुल सा ये कवर भी लिया है। एंड फिलहाल इस वाले ब्लॉग को अगर आपको अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक किया, छोटा सा ब्लॉग है तो क्विक अपडेट इसी प्रकार से देते रहते हैं एंड नेक्स्ट वाला ब्लॉग जो आएगा उसमें भी काफ़ी सारी डिटेल्स बताई जाएंगी। और आई होप सब लोग अच्छे हो, काफ़ी अच्छे ही, ऐसी प्रकार से हेल्दी एंड स्वस्थ रहो और इसी प्रकार से बनाए रखिए प्यार। लव यू ऑल, बाय बाय।